करती हूँ और इस मुहूर्त में आने का एक खास कारण हमारे जो डायरेक्टर हैं महमूद जी, उनके साथ मैंने फिल्म किया था आग ले लग जा और उनसे बहुत अच्छे रिलेशन है, हमारे घर जैसे रिलेशन है। एक कारण मेरा यही है इस मुहूर्त पे आने का। इस फिल्म में कितने गाने आप? देखिए अगर 8 गाने दे दे तो मैं 8 गाने कर लूँ लेकिन क्या है, मुझे 8 गाने करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिलहाल मैं एक ही गाना करूंगी। और क्या प्लानिंग चल रही है आपकी नेक्स्ट? इस पे भी है और शूट करने भी जा रही हूँ अभी मैं फिल्म, जैसे अभी चल रही सरकार राज जिसके आइटम सॉन्ग के लिए मैं जाने वाली हूँ, और ऐसी काफी फिल्में जिसमें एक्टिंग के साथ मेरे आइटम भी लोगों को देखने मिलेंगे। अभी हाल ही में मेरी फिल्म आई थी राजा बाबू और जिसमें एक्टिंग के साथ एक कॉमेडी गाना भी देखा होगा लोगों ने, ऐसे ही शिव रक्षक, नहले पे दहला, राजा बाबू के बारे में जरा कुछ बताइए, एक लाइन गाना जरा गुरु बनाइए। हम तो बबली बोलता नहीं तुम बड़ा देखता नहीं, मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मैं इस फिल्म के सभी गानों की तारीफ करूंगी कि बहुत बढ़िया गाने हुए हैं, क्योंकि उसके गाने भी हमारे आलोक जी ने गाया है, उनकी एक मधुर मीठी आवाज है और इस फिल्म के गाने भी मेरे 2 या 3 गाने शायद वो गा रहे हैं, 2 या 3 गाने वो गा रहे हैं, मुझे भी उनकी वॉइस बहुत पसंद है। डायरेक्टर महमूद आलम बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और फर्स्ट टाइम काम किया था, मुझे कभी लगा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ उनके साथ। सॉरी प्लानिंग तो लोग मुझसे परेशान हो जाते हैं पर मुझे खुशी है कि मैं मुझे उससे परेशान नहीं हुए इसीलिए मतलब उनका काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं महमूद जी। आपके साथ है संजय जी जो काफी फिल्म में आपको कोरियोग्राफ किए हैं, क्या कहेंगे संजय जी के बारे में? संजय जी बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है, मेरे फेवरेट कोरियोग्राफर है, इनके साथ मैंने काफी गाने किए हैं। अभी रिलीज होने वाली द रियल इंडियन मदर जिसमें बहुत ही हटके है गाना, 2020 मैच के ऊपर गाना है, मेरे फेवरेट है, मैं इतना बोलूंगी। राइट साइड में आपके कोरियोग्राफर और लेफ्ट साइड में विलेन है, इनके सारे निखिल जी का क्या? देखिए इनको हम लोग तीनों साथ इसलिए बैठे हैं कि एक आइटम सॉन्ग यहाँ भी हो जाए। क्या कहेंगे निखिल जी? निखिल जी आपका पहला आइटम सॉन्ग इनके साथ हो रहा है भोजपुरी फिल्म, उसके बारे में? इनसे ज्यादा मैं डरी हुई इनके साथ आइटम सॉन्ग फर्स्ट टाइम। नहीं एक्चुअली मैं आइटम सॉन्ग करता नहीं, करवाता नहीं, करवाता भी नहीं, आइटम सॉन्ग नेताओं को करवाता हूँ मैं, मेरा अलग ही रूट है। खैर आइटम सॉन्ग वाकई सीमा जी के बारे में जितना मैंने सुना था और देखा था इनका डांस, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कोरियोग्राफर मिला हो मुझे जो इसने आपकी तारीफ नहीं की हो डांस को लेकर। शी इज ब्रिलियंट डांसर एंड रियली सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। आज निरुआ की फिल्में काफी आई जो इनकी अभी हिट चली है बबली का, आपने शायद देखा कि नहीं है, अभी इनका नाम हो गया बबली हो गया है। अच्छा अभी दुल्हा हिंदुस्तानी आ गया तो इनके लिए कुछ दुल्हा खोल दीजिए इस फिल्म से लेकर। देखिए लड़कियों के लिए कुछ ढूंढना बंद कर दीजिए, लड़कियां खुद ढूंढ लेती हैं, हम ढूंढने में बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा आप विलेन है, बहुत सारे लोग किडनैप किए होंगे एक इंडिविजुअल। अरे आप क्यों क्यों कोई बकरा अच्छा चल रहा है उसको क्यों हलाल कराना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो निखिल जी इसके फिल्म के बारे में टोटल आपकी अपने स्टोरी सुनी है तो क्या ऐसा लगा कि आपने इस फिल्म के लिए आ गया? भोजपुरी फिल्मों से मुझे एक कोफ्त हमेशा रहती है उसकी कहानी, वो कहानी जो है थोड़ी सी कहानी पे ध्यान ज्यादा लोग नहीं देते हैं, कुछ चीजों में सिमट के रह जाती है भोजपुरी फिल्में, उसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडस्ट्री जितना वास्ट है इसका स्केल जितना बड़ा है वो नहीं जा पाए हम लोग इतने ही देर में सिमट के रह गए, जबकि लोग देख रहे हैं, जितने भी मुझे कॉन्टेक्ट आते हैं लोग फोन करते हैं या मेरे साइट्स पे लिखते हैं, उनका ये कहना है कि दे वॉन्ट टू वॉच दोज गुड फिल्म्स, बट मेकर्स का कहना है कि ऑडियंस नहीं देखती है और ऑडियंस का कहना है कि मेकर्स बनाते नहीं है, सो इज द कल्प्रिट जो काम कर रहा है उसमें या कौन। पर ऐसे में मैंने दिनेश जी के एक दो फिल्मों के नाम सुने जो बड़े अच्छे अच्छी रिस्पॉन्स मिली है, महमूद की कहानी में एक चीज अच्छी थी, एक अच्छा मैसेज है इसमें, विच इज लाइक
इसमें विलेन जो आप बोलते हो ना कि विलेन हूँ मैं, मुझे नहीं लगता है भोजपुरी बोली हो। हाँ बोली। मैं तो कई लोग भोजपुरी फिल्म में हिंदी अंग्रेजी यही तो बात है बोलना चाहिए। फिल्म में कहानी में सबसे बड़ा बात था कि विलेन नहीं किए, परिस्थिति विलेन होला। एक कैरेक्टर हमारे जन बा राघवेंद्र पांडे के जो उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली आदमी है, ओकरा भाई के प्यार हो गई बा। अब केहू के भाई के प्यार हो जाए चाहे ओकरो हो जाला, अब वो भाई के प्यार के लिए वो क्या जद्दोजहद करता, किन परिस्थितियों से गुजरता है, ये परिस्थितियां ही उसे विलेन बनाती है। और जिस तरह से कहानी के मोड़ को ले जाया गया है, हमें लगता है कि जो भी सिनेमा हॉल में घुसे ओकरा बाद बैठ के देखबे करे कि होत का बात, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। आप ये फिल्म बन के रेडी है, कब रिलीज कर रहे हैं उसको? मेरी फिल्म देख के, उसका नाम है देख के, दवाई तो देख ली हलोगी। संजय जी आप क्या बोलेंगे आज मुहूर्त? मैं आया मुहूर्त में क्या महमूद जी के बारे में बोलूं? मैं महमूद जी के साथ तीसरा मूवी कर रहा हूँ, सेकंड मूवी यहाँ गले लग जाए, तीसरा मूवी है। इज अ वेरी गुड टैलेंटेड डायरेक्टर, अच्छा एक भाई जैसा, एक ब्रदर जैसा है। मैं चाहता उसको भी आगे बढ़ना चाहिए। आलोक उस फिल्म में है क्या, उनके साथ पहले काम किया? नहीं, आलोक जी के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ और काफी तारीफ सुना मैं आलोक जी का, तो चाहता है काम करेंगे उनके साथ। धन्यवाद। मनोज जी, इस फिल्म में जब आपको ऑफर आया तो आपको क्या लगा इस फिल्म में कहानी सुन के कि नहीं ये फिल्म मेरे करने लायक है, जो आप लीड भी कर रहे हैं उसके बावजूद? जी, महमूद भाई हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, संयोग से हम लोग एक ही बेल्ट के हैं, लेकिन उनकी पहली दूसरी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला, इस बात का बहुत दुख था मुझे। लेकिन इस बार जब महमूद भाई का फोन आया कि मनोज भाई आपके लिए मैंने ऐसा सोचा है, तो बहुत खुशी हुई और उन्होंने स्पेशली बुलाया, मैं मिला उनसे और उन्होंने कहानी सुनाई, तो मुझे ऐसा लगा कि पहली बार जो मैं कर रहा हूँ उसे अलग हटके मुझे कुछ काम करने का मौका। अभी हमारे बड़का भैया ने बोला कि भाई को अब देखते हैं प्यार होता है कि नहीं होता है, अनारा से होता है कि ऋतु से होता है। अब ये जिसको डाल दे हमारे महमूद भाई, जिसको डालेंगे उसी से प्यार हो जाएगा। फिल्म भाई फिल्म वाह। साथ में सीमा सिंह भी है, सीमा मिल जाए तो कोनो बात नहीं है, उनसे गाना गा के सुन ले, लेकिन प्यार तो हम वही दोनों को से करें। हाँ प्यार अच्छा ठीक चलेगा। हाँ बढ़िया बात। अच्छा राहुल कपूर जी, और इस फिल्म में आपको आपकी एंट्री हो रही है, तो इस कहानी आपने सुनी रखा है, तो आपको क्या लगता है कि नहीं इस फिल्म से मुझे कुछ न कुछ नया करने को मिलेगा? और इस फिल्म की कहानी मुझे बहुत मतलब नया, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है मेरा, और मैं इस फिल्म में अभी मेरी पहली इस फिल्म से शुरुआत हो रही है, मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया, थोड़ा हटके है, सबसे अलग है। अच्छा भोजपुरी फिल्म में किसको आप आदर्श मानते हैं? भोजपुरी फिल्मों में मेरे आदर्श रवि किशन है, मैं बचपन से उनकी फिल्में देखते आ रहा हूँ। ये जो फिल्म आप कर रहे हैं, क्या आपको लगा कि ये फिल्म करना चाहिए आपको, कैसा ऑफर मिला आपको? मुझे इस फिल्म का स्टोरी बहुत पसंद आया। ऑफर कैसे मिला? महमूद जी ने क्या बोला आपको कि क्या करना है? महमूद जी को मैं करीब पहली फिल्म जब ये शूट करते जब कर रहे थे तब से मैं इनको जानता हूँ, प्यार होके रही, तो बचपन से आपको एक्टिंग करने का शौक था कि अभी एक्टिंग सीख रहे हैं कुछ? बचपन से शौक है। अभी कुछ आपने थिएटर किया कहीं से? नहीं कुछ किया नहीं, पहले कुछ काम किया था लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से रिलीज नहीं हो पाई फिल्म। अभी क्या बनना है आपको, कुछ सोचे बॉलीवुड तक जाना है कि भोजपुरी में सीमित रहना है? अभी तो भोजपुरी कर रहा हूँ। कब से इस फिल्म की शूटिंग कब से करना है? इस फिल्म की शूटिंग हम लोग अगले महीने ही कर रहे हैं, 1 तारीख से। अच्छा, और आपके ऊपर कितने गाने होंगे इस फिल्म में? इस फिल्म में मेरे ऊपर 1 गाने। थैंक यू। बोली जी आप बताइए, आपको इस फिल्म लाइन में मतलब जो फिल्म आपको स्टोरी मिली है, जो एक ब्रदर का करेक्टर है आपका, तो आपको हमने सुनाई है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि ये करेक्टर मेरे ही ऊपर है, मेरे लायक ही है? ये तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम बोनी सिंह है और मैं इस फिल्म में पहला एंट्री मुझे हो रहा, तो ये महमूद सर जो मतलब आपसे जो पहले मिले, तो मिलने के बाद फिर ऐसे पहले जान पहचान हम किए, फिर जान पहचान करने के बाद आप, मुझे बहुत खुशी की बात है कि आप मुझे उस लायक समझे और मुझे काम दिए, तो ये बहुत खुशी की बात है, और पहले तो सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। और क्या तो आप इस फिल्म में कितने गाने हैं आपके ऊपर? मेरे ऊपर 1 सॉन्ग है।